आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। खेल स्पर्धाओं में भी बेटियों ने दमखम दिखाया है, देश को कई गोल्ड मेडल भी दिलाए हैं। बेटियों को खेलों को और प्रोत्साहित करने के मकसद से शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आज से 2 दिवसीय राज्य के कन्या महाविद्यालय लड़कियों की इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शुभारंभ किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश की बेटियों ने देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कोविड के कारण खेल भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है। मुक्केबाजी प्रदेश की बेटियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके लिए बड़े मैदान की आवश्यकता भी नहीं रहती है। और बल ही में किन्नौर की बेटी ने मुक्केबाजी में प्रदेश को गोल्ड मेडल भी दिलाया है। अब जो है वो प्रदेश के महाविद्यालय और विद्यालय जो है वो खुले हैं, उसमें शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल कूद की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो गतिविधियाँ हैं वो भी प्रारंभ हुई हैं। और आज शिमला के इस इंदिरा गांधी खेल परिसर में शिमला का जो उत्कृष्ट कन्या महाविद्यालय है, जिसे हम RKMV के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा अंतर विश्वविद्यालय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जो महाविद्यालय हैं उससे छात्राएं जो हैं वो खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। और बॉक्सिंग हिमाचल प्रदेश को सूट करने वाली जो है वो एक खेल जो है वो प्रतियोगिता है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े ग्राउंड्स की आवश्यकता नहीं रहती है। छोटे स्थान पर जो है वो अगर हम इसके लिए जो है वो रिंग्स की व्यवस्था कर दें तो उसमें जो है वो बहुत अच्छा जो है वो टैलेंट जो है वो बाहर निकलता है। हिमाचल प्रदेश की इसी वर्ष में लड़की जो है वो किन्नौर से संबंध रखने वाली दुबई में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो है गोल्ड मेडल लेकर के आई है और देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में हमारे जो कन्याएं हैं वो विभिन्न खेल स्पर्धाओं में जो है वो भाग भी लेती हैं और उसमें जो है वो बहुत अच्छा जो है परिणाम लेकर के आती हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बाद जो प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं उसका आगाज किया है, उसमें पहल की है और प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया है और जो इसमें प्रतिभागी होंगे मैं उन सबको भी बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं देता हूँ। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।